इन्होंने सबको खूब नचाया है, अपनी फिल्मों से खूब हंसाया है, खूब एंटरटेन किया है और अब कुछ नया करने वाले हैं। हाय रेमो, हाउ आर यू? हेलो। एंड हमारे साथ है समर। दोनों मिलके कुछ नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेलिब्रिटी को मैनेज किया जाएगा। ये कैसे सब किया है आप लोगों ने? एंड हुज आइडिया वाज दिस? आइडिया पूरा इनका था और यही आइडिया लेके आए थे मेरे पास। और मुझे नहीं पता था कि इतना अमेजिंग आइडिया होगा। एंड जब आइडिया मुझे पूरे डिटेल में बताया तो आई थॉट ये बहुत बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि फ्यूचर यही होने वाला है। सो आई जम्प्ड ऑन टू द आइडिया एंड हियर वी आर वर्किंग टुगेदर। समर फोक मीडिया ग्रुप के सीईओ हैं। बहुत इनोवेटिव चीजें आप लोगों ने डेवलप की हैं। ये आइडिया कैसे आपने सोचा एंड कैसे इसको आप लोग फॉर्मुलेट करने वाले हैं? तो हम लोग एक काफ़ी बड़ी कंटेंट मार्केटिंग कंपनी है। तो अभी कंटेंट मार्केटिंग अगर आप देखोगे तो उसमें लार्जली मीडिया कंपनीज आती हैं, कन्वेंशनल मीडिया कंपनीज, न्यू एज मीडिया कंपनी जैसी मिस मालनी हो गई। हम लोग को 3 साल, 3.5 साल पहले रियलाइजेशन शुरू हुआ कि अभी सोशल मीडिया का जो इमर्जेंस है उसमें सेलिब्रिटीज़ का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है और जो ब्रांड्स का एक्टिवेशन है, ब्रांड्स सेलिब्रिटीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया साइड ऑफ इट। और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ओनली वी थॉट कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर ऑफकोर्स हमारे पास एक्सेस नहीं था, हमारे पास नेटवर्क नहीं था। तो वी नीडेड समबडी लाइक रेमो सर टू कम ऑन बोर्ड विद हिज क्रेडिबिलिटी एंड हिज ऑलरेडी नेटवर्क। हैव योर फर्स्ट सेलिब्रिटी ऑन बोर्ड। एब्सोल्युटली। सो मेरा मेरा पूरा बिजनेस मॉडल का वैलिडेशन ये था कि अगर सर हाँ बोलेंगे तो मतलब इंडस्ट्री हाँ बोलेगी। सो रेमो, कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छा लगा, दैट्स हाउ यू आर हियर, पर आपका इसमें क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है और कितना इन्वॉल्वमेंट है? मेरा इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है और कितना इन्वॉल्वमेंट है? गिव योर ओपिनियंस एंड एडवाइस कि डिजिटल पे ऐसे देखिए, अकाउंट। एक अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड टुगेदर, सो ऑफकोर्स जो भी होगा वो हम सब मिलके ही करेंगे। और कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड में टीम वर्क बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मैटर वही करता है कि टीम वर्क कैसी होती है। आई एम बहुत बड़ा बिलीवर हूँ टीम वर्क का, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं, मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वो मेरी टीम की वजह से। तो ये मेरी टीम है अभी, तो जो भी होगा वो टीम के साथ ही होगा। तो सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होगी एंड यस, वैसे लेके जाएंगे। एंड हाउ डू यू सी दिस डिजिटल मार्केट? यू हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग बाय द वे ऑन डिजिटल, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। हाउ डू यू सी दिस मार्केट? आई सी अ ग्रेट पोटेंशियल इन दिस मार्केट एंड मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया समर लेके आए हैं। कि आई थिंक हम लोग फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में हम लोग ने एक्साइट हो गए थे एंड मैंने कहा था कि यार ये बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे नहीं पता था कि डिजिटल की इतनी ताकत है, इतनी रीच है, इतनी ताकत है उसके अंदर। इन्होंने मुझे बताया, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ओह, दिस इज रियली कूल। सो आई एम वेरी किक्ड अबाउट इट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। किस तरीके के कॉन्सेप्ट और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वेब के थ्रू? बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब लाइक डू वी गेट टू सी कुछ टाइम में एक्टर्स के ऑडिशंस भी, प्लस बॉलीवुड से रिलेटेड? अगर आप देखोगे आज के डेट में आपके जितने आप फॉलो करते हो लोगों को, आज हाउ डिड यू डिस्कवर दैम? वो लोग ना टीवी पे आए ना वो लोग थिएटर में गए, आपने उनको। सो मेनी ब्लॉगर्स, सॉरी टू, देयर आर सो मेनी ब्लॉगर्स, आई डोंट नो हु दे आर, बट आई फॉलो देम बिकॉज़ आई लाइक देयर कंटेंट। या सो द होल पॉइंट इज दैट द यू नो दैट यू डोंट नीड अ स्टेज, यू डोंट नीड अ प्लेटफॉर्म एनी मोर टू शोकेस योर टैलेंट। ऑल यू नीड इज अ स्मार्टफोन व्हिच इज वर्थ 3000 बक्स। सो वही हम बोलते हैं कि मतलब इतना पावर है इसका कि अगर वही सर बोल रहे थे कि उनकी जर्नी 6 साल की रही है, वेर ही हैड टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एंड कैन नॉट गेट टू व्हाट ही इवेंचुअली वांटेड टू डू। और आज का आई थिंक वो जो 6 साल है वो सर के हिसाब से 60 सेकेंड्स हो गया है। और रियलिटी है, बिकॉज अगर आपका टैलेंट 60 सेकेंड्स में कैप्चर हो गया तो ऑडियंस बैठी है वहाँ पे, वो रियलिटी है। योर डील इज डन। एग्जैक्टली। रेमो इज वेरी किक्ड अबाउट इट, ही इज सो हैप्पी। रेमो, क्रिएटिव चीजों में भी आप कॉल्स लेंगे बिकॉज यू डेवलप्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लाइक फ्रॉम डांस टू क्रियोग्राफीज टू फिल्म डायरेक्शन, एवरीथिंग यू हैव एक्सप्लोर्ड। यू थिंक दिस इज न्यू टू यू, या आपको लगता है प्लेटफॉर्म अलग है, आपका कॉन्टेंट, आपकी क्रिएटिविटी स्टिल द सेम एंड यू कैन यू नो टेक इट फॉरवर्ड टू डिजिटल? आई थिंक समर बहुत ही इस मामले में बहुत ही आगे तक पहुँचे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी की बात आती है तो येस ऑफकोर्स मैं उसमें काफ़ी सारा हेल्प होगा उसमें दोनों की तरफ से। और जहाँ पे भी समझ को मेरी हेल्प चाहिए होगी, जहाँ से क्रिएटिव लेवल पे, ऑफ कोर्स मैं हूँ वहाँ पे। एंड जो भी हम आगे करेंगे या सोचेंगे या करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बैठ के डिस्कस करेंगे और क्रिएटिव लेवल पे उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, वही हमारा एम रहेगा एक्चुअली।